हेलो 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 एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हाउ आर यू गाइस। आई एम डॉक्टर परमजीत एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर एजुकेशन एंड वी आर बैक। एंड आज का जो सेमिनार है, आज का जो डिस्कशन है, टॉपिक है, ऑब्वियसली पहले समझ लीजिए, आज भी 10 सवालों के जवाब दिए जाएंगे, पहले 10 लोगों के जो सवाल है, लेकिन आज सेमिनार होगा, डिस्कशन होगा ओबेसिटी पे, वेट लॉस पे। तो जिस किसी के भी वेट लॉस के सवाल है, उनके जवाब जरूर दिए जाएंगे। तो आप अपने वेट लॉस के सवालों के साथ में सामने वेट लॉस या ओबिसिटी लिखेंगे और उसके बाद अपना सवाल लिखेंगे, तो आपका सवाल का जवाब जरूर पकड़ा जाएगा, आपका सवाल आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैं ऐसे स्क्रॉल करूंगा। तो अभी मैं फिर देख लूंगा एक बार कि आवाज़ सही तो अभी मैं है, फिर देख लूंगा एक बार। आवाज़ बिल्कुल ठीक है, आवाज़ भी सही है और ये भी ठीक है। सो अब हमने ये चीज़ चेक कर ली, अब हम क्वालिटी भी देख ली हमने, ऑल इज वेल। सो ओबेसिटी, वेट लॉस, प्रॉब्लम क्या है, क्यों लोग मोटे हो रहे हैं? सारी दुनिया में नंबर वन कारण बीमारियों का एक्चुअली है ओबेसिटी, मोटापा। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोगों को नहीं पता क्यों मोटे हो रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ये एसोसिएशन नहीं पता कि वो ज़्यादा कब खा ले रहे हैं, या उनके पहले ज़माने में जब ज़्यादा खाते थे, क्योंकि ज़माना चेंज हो गया, राइट? ऑब्वियसली जब ज़माना चेंज हो गया है तो अब खाना पीना भी चेंज हो गया है, राइट? ऑब्वियसली जब भी आप कैलरी सरप्लस में रहोगे, यानी आप जितना खा रहे हो उतना इस्तेमाल कर रहे हो, जब इस्तेमाल कम करोगे, खाना ज़्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे, ये सबको पता है। ज़्यादा खाते हैं तो मोटे होते हैं, कम खाते हैं तो पतले होते हैं, नहीं खाते हैं तो भी शायद पतले होते हैं, बिकॉज तभी आपको प्रॉब्लम होती है। बीमार होते हैं तो पतले होते हैं, और कोई दूसरी भी बीमारी हो, जिससे जैसे कि थायराइड, जैसे अगर थायराइड प्रॉब्लम हो तो क्या होगा, सारी बॉडी स्लो हो जाती है, सारी बॉडी का सिस्टम, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाते हैं, इसके चक्कर में आपकी मेटाबॉलिज्म भी, सो आप मोटे हो जाते हो, राइट? इसके चक्कर में आप मोटे हो जाते हो, राइट? और यार मुझे ये लाइट अच्छी नहीं लग रही, थोड़ा सा एक सेकेंड एडजस्ट कर लेता हूँ। राइट, माइच लिटिल बेटर, चल जाएगा, ठीक है। पहला सबसे बड़ा रीजन है मोटापे का ओवर ईटिंग, लेकिन उससे भी बड़ा रीजन है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल क्या होती है? एक्सरसाइज या एक्टिविटी कम रखना। कई लोगों को, फीमेल्स को या ऑफिस जाने वाले लोगों को ये लगता है कि मैं दिन भर जो काम करता हूँ, दौड़ भाग करता हूँ, हमारी एक्सरसाइज हो जाती है तो उतना चलेगा, और घर आके थक हार के वो कार्बोहाइड्रेट या खाना या वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। सो प्रॉब्लम है इनके बीच की अंडरस्टैंडिंग, क्या कि कितना खा रहे हो, कितना इस्तेमाल कर रहे हो, राइट? ऑब्वियसली सबको ये पता है, लेकिन सबको क्या नहीं पता, 90% लोग इंडिया के अंदर जो वेट लॉस नहीं कर पा रहे, इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि बेसिक उनका जो डाइट में सबसे बड़ी चीज़ है वो है कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट खाते, क्या रोटी कार्बोहाइड्रेट्स है, मतलब तो प्रिडोमिनेंट कार्बोहाइड्रेट रोटी में 70% 80% कार्ब्स है, कच्चे आटे में, कच्ची रोटी में, उसको जब पका भी लेते हो तो भी उसमें 70-80% कार्ब्स होता है, राइट? एज कम्पेयर टू प्रोटीन 7% होता है। सो प्रोटीन और कार्ब्स का अगर आप रेशियो देखोगे तो 1:4 1:10 का रेशियो आएगा, कि प्रोटीन इतना तो कार्ब्स इतना ज़्यादा है। सो जब आपके शरीर में अल्टीमेटली वो जाता है तो प्रोटीन कम जाएगा, कार्ब ज़्यादा जाएगा, वो कार्ब सारी एनर्जी है, आपके ब्लड में जाएगा। डायबिटीज़ वाले वीडियो में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और कैसे ज़्यादा एनर्जी हो तो वो स्टोर होती है फैट में, और क्यों आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है, दिमाग कैसे आपको बोलता है कि भाई आप खा रहे हो तो मोटे हो रहे हो, और इसलिए मोटे ना हो इसलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़ होती है, इसी का रिलेशनशिप यहाँ है। सो अल्टीमेटली ज़्यादा कार्ब्स, आप बोलोगे मैं तो कम कार्ब्स खाता हूँ, मैं तो 2 ही रोटी खाता हूँ, लेकिन फिर उसके अलावा आप क्या खाते हो, ओट्स, ओट्स भी कार्ब्स हैं, आप ब्राउन राइस भी खाओगे कार्ब्स है, वाइट राइस भी कार्ब्स है, गेहूँ, बाजरा, रागी, ज्वारी, कॉर्न, मक्कई, एवरीथिंग, ये सब के सब जो है प्रिडोमिनेंटली कार्ब्स है, इन सब में 70-80-90% तक कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जी हाँ, गेहूं की रोटी से, ज्वारी की रोटी, मक्कई की रोटी, ये सब अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? इसका कारण
कार्ब्स की क्वांटिटी गेहूं में 70% है, मकई में 80-90% है, लेकिन मकई अच्छा है। क्यों? क्योंकि मकई जो है वो स्लो एब्जॉर्ब होता है, वो स्लो एब्जॉर्ब होता है, वो आपको 4-6-8 घंटे तक एनर्जी देगा, मतलब 4-6 घंटे तक एनर्जी देगा। और गेहूं की जो मक्की, गेहूं की जो वाइट रोटी है, वो वाली गेहूं की रोटी जो है आपको सिर्फ 3-4 घंटे में आपको फिर भूख लगने लग जाएगी और फिर आप कार्ब्स क्रेविंग करोगे। कार्ब्स का सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, वो आपकी बॉडी में ऐसे फील गुड हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है, सेरोटोनिन्स, डोपामिन, जो कि एक्चुअली उसकी क्रेविंग्स होती हैं। मीठी चीज़ ज़्यादा खाओगे और क्रेविंग होगी, जल्दी भूख लगेगी, क्योंकि जैसे ही आप ज़्यादा कार्ब खाते हो इंसुलिन स्पाइक होता है, इंसुलिन स्पाइक होता है, इंसुलिन सारे कार्ब्स को अंदर ले जाता है सेल्स में और शुगर कम हो जाता है, फिर भूख लगने लगती है। जब इंसुलिन स्पाइक होता है तब भी नींद आती है, शुगर कम होती है तब भी नींद आती है, इसीलिए आपको खाना खाने का नींद आती है और इसलिए काम में मन नहीं लगता, इसलिए फिर उसके बाद भूख लगती है, फिर खाते हो, फिर नींद आती है और पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है और अल्टीमेटली हम मोटे हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें कार्ब्स, टोटल कार्ब्स कम करने हैं और सिंपल की जगह कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स यानी आप नॉर्मल गेहूं की रोटी, मैदे की रोटी खाने की जगह मल्टीग्रेन रोटी खाओ। नॉर्मल, अब ये बात याद रखिए, सुबह आपने ब्रेड खा लिए, दोपहर में आटा खा लिया, खा ली, फिर रात को दलिया खा रही है, अल्टीमेटली योर प्रीडोमिनेंट इज कार्ब्स, राइट? वेर आर द प्रोटीन्स, वेर इज द वेजिटेबल्स, राइट? सो हमारा प्रॉब्लम है, हम भूल गए हैं कि हमें वेजिटेबल्स भी खाना है, हमें ग्रीन लीफी, ठीक है ग्रीन लीफी तो खाना ही खाना है, लेकिन बाकी भी वेजिटेबल्स जरूरी है, सलाद जरूरी है, पकी हुई कोई भी सब्जी अच्छी है कार्बोहाइड्रेट से, पकी हुई कोई भी सब्जी अच्छी है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आलू आता है, सिर्फ आलू कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में है, ये आता है, ठीक है, क्योंकि आलू में कार्ब ज़्यादा है। तो पकी सिर्फ प्लेन सिंपल आलू की सब्जी ना खाएं, प्लेन सिंपल बॉइल्ड आलू ना खाएं, कम खाएं, ऐसा नहीं कह रहे कार्ब जीरो करना है, कम खाना है, ज़्यादा आपको खाना है वेजिटेबल, ज़्यादा आपको खाना है ये, तो वेट गेन का भी प्रॉब्लम ये है, वेट लॉस का भी प्रॉब्लम है, और अल्टीमेटली सेडेंटरी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में लोग ये सोचते हैं, मैं कई हर पेशेंट से ये सोचता हूँ, आखिरी बार एक्सरसाइज कब की थी, 15 दिन 20 दिन 25 दिन। लोगों को टाइम बहुत लग जाता है एक्सरसाइज करने में, 25, कोई कहता है साल हो गए, क्यों टाइम नहीं मिलता, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारे दिनचर्या में, नॉर्मल लाइफ में क्या हमें समय नहीं मिलता, क्या हमें मौके नहीं मिलते एक्सरसाइज करने के? क्या कभी ये ऑप्शन नहीं आया कि लिफ्ट भी है सीढ़ी भी है? क्या आपने वो सीढ़ी चूज़ की, वो स्टेयर चूज़ किया? नहीं। क्या कभी ये ऑप्शन आया कि धीरे धीरे चलना हो या फास्ट दौड़ के जाने का ऑप्शन है, लेकिन आपने क्या दौड़े? नहीं। क्या वो ऑप्शन आया कि घर में बच्चों के साथ डांस करने का मिला, लेकिन आप काम में बिजी थे, आप मैच देख रहे थे, आप कुछ कर रहे थे? सो हमें ये मौके ढूंढने पड़ेंगे खुद की लाइफ को और ज़्यादा एक्टिव करने में। जो भी करते हैं उनको फास्ट करें, तेज़ी से करें और एक्टिविटी बढ़ाएं, तब जाके मोटापा कम होगा, वेट लॉस हो पाएगा। और साथ में मेडिकेशन, राइट? कार्बोहाइड्रेट कम करें, प्रोटीन को बढ़ाएं, 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए आपकी बॉडी को मसल मेंटेनेंस के लिए, वरना पतले हो गए और मसल छोटी होती जाएगी, हाथ भी पतले, शरीर भी पतला, तो बहुत बुरे दिखोगे और ताकत भी नहीं रहेगी, वीकनेस आएगी, इसलिए प्रोटीन ज़रूरी है वेट लॉस करते समय। प्लस अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम है, थायराइड मैनेज करना पड़ेगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है वो मैनेज करना पड़ेगा, हार्मोनल इंबैलेंस को मैनेज नहीं करोगे तो वज़न कम होने में प्रॉब्लम आएगी बहुत ज़्यादा। कई लोगों को यही प्रॉब्लम होती है हार्मोनल इंबैलेंस की। ये हुई बेसिक चीज़ें, जिस जिसको जो जो प्रॉब्लम आती है वेट लॉस में, जो जो प्रॉब्लम आती है ओबेसिटी में, और मोटे होते गए तो बीमारियाँ होंगी, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, वेरिकोस वेन्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, राइट? उसके अलावा थायराइड प्रॉब्लम आ जाती है, उसके अलावा मोटापे के साथ कितनी सारी बीमारियां, फैटी लिवर, हर ऑर्गन डैमेज होता है मोटापे के साथ। सो बहुत खतरनाक बीमारी है, जल्द से जल्द इसको पकड़ के ठीक करें वो सबसे अच्छा, राइट? और इसका इलाज इंटरमिटेंट डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं है, इसका इलाज कीटो डाइट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी भर नहीं कर सकते आप कीटो डाइट, आप जिंदगी भर नहीं कर सकते इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हुए अगर आप दिन भर के या एक दिन नहीं खाए, दूसरे दिन दबा के पेल के आपने कार्बोहाइड्रेट खा लिए, बर्गर पिज्ज़ा खा लिए या वही डाइट खाई, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हुए अगर 6 घंटे 12 घंटे, लोग क्या करते हैं 16 घंटे कुछ नहीं खाते, 8 घंटे खाते हैं, 16 घंटे कुछ नहीं खाए लेकिन 8 घंटे में जितना पहले खाते थे उतना ही खा रहे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी बॉडी में।
अल्टीमेटली इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या कैलरी आप कीटो डाइट हो, क्या मैटर करता है? कैलरी डेफिसिट। अगर कैलरीज कम खाओगे, टोटल कैलरीज, तो ही वेट लॉस होगा। सो ये हुआ बेसिक 10 मिनट्स का। अब हम वेट लॉस और इस पे सवाल लेंगे और साथ में पहले 10 सवालों के रैपिड फायर जवाब देंगे और उसके बाद पेड सवाल देंगे। ठीक है दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ऑलराइट, सो पहला सवाल आया है नितिन नरूला जी का, बेस्ट मेडिसिन फॉर नर्व वीकनेस इन पेनिस ड्यू टू डायबिटीज। देखिए, पहले मैं 10 सवाल रैपिड फायर दूंगा, उसके बाद वेट लॉस के। अगर आपके कोई भी सवाल है वेट लॉस के ऊपर या ओबेसिटी के ऊपर, तो पहले वर्ड लिखिए वेट लॉस या ओबेसिटी और उसके बाद अपना सवाल लिखिए और फिर डाल दीजिए। ठीक है, ऑल राइट। नितिन नरूला, बेस्ट मेडिसिन फॉर नर्व वीकनेस इन पेनिस ड्यू टू डायबिटीज। उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है, डायबिटीज कंट्रोल करनी पड़ेगी। नसों के लिए पहले पेनिस के टेस्ट कराइए, आपका पेनाइल डॉपलर खड़ा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, नसों कौन सी नसें खराब हैं, और B12 डेफिशिएंसी उसको ठीक करिए। बेस्ट मेडिसिन गाबापेंटिन, प्री गाबालिन, ऐसी दवाएं आती हैं जो लेनी पड़ती है, न्यूरोलॉजिस्ट देते हैं। ठीक, वेट गेन कैसे करें? वेट गेन पे दूसरा सेमिनार होगा, डोंट वरी। मेरा शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, वेट गेन के ऊपर मेरा एक वीडियो भी है, आप वहाँ जाके बल्किंग बाय डॉक्टर एजुकेशन टाइप करके वीडियो देख लें। राइट, डीओ कुमार मिस्त्री, मेरा शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसके लिए डायबिटीज़ वाले मेरे वीडियो देखिए, कार्बोहाइड्रेट कट डाउन करिए या दवा बढ़ाइए और एक्टिविटी बढ़ाइए, अल्टीमेटली शुगर कंट्रोल होगा। नहीं हो रहा है तो आपको टेस्ट की ज़रूरत है, क्यों नहीं हो रहा है? हार्मोनल प्रॉब्लम है, थायराइड इशू है, क्या इशू है जिसकी वजह से नहीं हो रहा है? अल्टीमेटली पिन पॉइंट नहीं हो पाई है प्रॉब्लम, आप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाइए। अगर कोई नहीं सुन रहा है तो आप मुझे ऑनलाइन कंसल्ट करिए। ऑलराइट, देवशीष साहू, सर हैविंग डैंड्रफ एंड हेयर फॉल, प्लीज गाइड। इसके दोनों के ऊपर मेरे डिटेल वीडियोस हैं, यही मैं हमेशा कहता हूं, मैं अभी पूरा 10 मिनट नहीं समझा सकता, आप जाके डैंड्रफ या हेयर फॉल का वीडियो देखिए मेरा, उसमें अगर फॉलो करिए, उससे अगर आपको कोई डाउट है तो वो यहां पूछिए। ठीक है, एपिडिडाइमिस क्या होता है? एपिडिडाइमिस आपके टेस्टिस के ऊपर जो एक सैक होता है एपिडिडाइमिस, उसका इन्फ्लामेशन, किसी का भी आइटिस अगर आखिरी में लगा हो, राइट, आइटिस, राइट, किसी भी, जैसे अपेंडिसाइटिस, अपेंडिस का इन्फ्लामेशन अपेंडिसाइटिस, गैस्ट्राइटिस, आइटिस लगा हो तो गैस्ट्राइटिस, गैस यानी पेट का इन्फ्लामेशन, वैसे ही एपिडिडाइमस है, उसका इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसको एपिडिडाइमाइटिस कहते हैं, एपिडिडाइटिस माइटिस कहते हैं। ठीक है, ये होता है, वहाँ इन्फ्लामेशन हो रहा है, वहाँ इन्फेक्शन भी हो सकता है, वहाँ किसी भी कारण से इन्फ्लामेशन हो रहा है, यानी वहाँ पर आपके इम्यूनिटी एक्ट हो रही है। ठीक है, क्यों हो रही है वो अलग से जांच करनी पड़ेगी, उसका अलग से इलाज करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, आई एम सो वीक, माई एज इज 25, सो वॉट आर माई फूड्स एंड मेडिसिंस? हाँ, इज इट अ क्विज? आपके मेडिसिंस क्या है ये हम नहीं बता सकते। वीकनेस के ऊपर टोटली मेरा एक डिटेल वीडियो है, वीकनेस बाय डॉक्टर एजुकेशन टाइप करिए, उसमें आपको सारे कारण पता चल जाएंगे, सोचिए, और सारे टेस्ट पता चल जाएंगे, आप वो कारण देखिए और उनके लिए टेस्ट कराइए और फिर उन टेस्टों के लिए उसके हिसाब से आपने दवा या फूड्स लेना है। अल्टीमेटली एक आइडियल बैलेंस डाइट लेनी जरूरी है, हाई प्रोटीन डाइट, तो आप आइडियल वेज डाइट का हमारा वीडियो देखिए या डैश डाइट का वीडियो देखिए, DASH, उन दोनों में से कोई भी डाइट फॉलो करिए, अच्छी प्रॉपर आइडियल डाइट लीजिए, एक्सरसाइज करिए, रेस्ट लीजिए, नींद लीजिए और वीकनेस वाला वीडियो देखिए। मानु ठाकुर, थायराइड 5.69 है तो क्या ठीक हो जाएगा और खाने में क्या परहेज करना होगा? खाने में परहेज नहीं करना होगा, आपको आयोडीन ज़्यादा खाना होगा, आयोडीन, आयरन, सेलेनियम, थायराइड की डाइट वाला मेरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा, आप वो कर सकते हैं, 2-3 महीने ट्राई करके फिर थायराइड लेवल्स चेक कराइए। थायराइड के ऊपर फुल सीरीज है, वो पूरी सीरीज देखिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर थायराइड ये आपका सिर्फ डाइटरी डेफिशिएंसी के वजह से है तो ठीक हो जाएगा परमानेंटली। ठीक है, वेट लॉस, चाओ नया क्वेश्चन, हाउ कैन आई गेट मोर मसल वाइल फैट लॉस? देखिए सचिन जी, अगर आप मसल्स को आप 1 ग्राम 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट दे रहे हो, देखो अल्टीमेटली अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो कार्ब कम करोगे, कार्ब कम करोगे तो प्रोटीन बढ़ाओगे, जब आप प्रोटीन बढ़ा रहे हो तो आपकी मसल्स को जितना प्रोटीन चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब वेट लॉस होता है तो सोचो बॉडी क्या चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है, उसके पास ग्लूकोज नहीं है, तो वो क्या ढूंढेगा? वो करेगा फैट तोड़ेगा, 70-80% और कुछ 10-20% प्रोटीन भी तोड़ेगा, ये एग्जैक्ट 2-8% तक होता है प्रोटीन टूटता है। तो प्रोटीन टूटता है किस लिए? टूटेगा अमाइनो एसिड के लिए। तो अगर आपकी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन है
तो वो प्रोटीन्स के जो अमाइनो एसिड आपके ब्लड में आ रहे हैं वो इस रिप्लेस करेंगे जो अमाइनो एसिड टूटने वाले हैं, तो प्रोटीन नहीं टूटेगा, तो प्रोटीन नहीं टूटेगा इसीलिए आपका प्रोटीन बचेगा और सिर्फ फैट टूटेगा और आप पतले भी होंगे और मसल रिटेन होगा, प्रोटेक्ट होगा और दिखेगा। अब मसल ग्रो करने की बात है, तो मसल ग्रो करने के लिए उस फेज में आप जब आओगे जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोस बन गया, उसके बाद कुछ देर के लिए मसल ग्रो होगा, उसके बाद ये हो, उसके बाद फिर आपने कार्ब कम खाए, तो ये साइकिल होता है, कुछ देर के लिए मसल ग्रोथ, कुछ देर के लिए मसल बचाओ। तो प्रोटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की, हाई प्रोटीन डाइट। ऑलराइट, ओके, मैं देख लूं एक बार, 10 सवाल हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हुआ। नौवां सवाल, सर वेट लॉस बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है क्या? नहीं, वेट लॉस बॉडी टाइप पे नहीं डिपेंड करता, लेकिन आपकी बॉडी टाइप पे आपका लुक्स डिपेंड करते हैं। देखिए, अगर आप एक ब्रॉड बॉडी वाले हैं, आप एक एक्टोडर्म, मीजोडर्म और मीजोमॉर्फ जो बोलते हैं, मीजोमॉर्फ एक्टोमॉर्फ ये बोलते हैं, जब आपकी बॉडी ब्रॉड है तो ब्रॉड बॉडी पे बड़ी आसानी से वजन, क्योंकि वो ब्रॉड बॉडी का ही खुद वजन होगा, बोन वेट ही उसका ज्यादा होगा, तो वजन आपका ऑलरेडी ज्यादा होगा, आपके लिए लीन दिखना थोड़ा मुश्किल होगा। जो लंबा है, जो लंबे इंसान होते हैं, उनके लिए पतले दिखना थोड़ा सा वेट लॉस होता है, उनके पतले दिखने शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये टोटली थोड़ा सा रॉन्ग है, मीजोमॉर्फ एक्टोमॉर्फ और ये का, उसमें सिर्फ इतना है कि एक लंबे इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा मसल रखनी पड़ती है, तब वो दिखेगी। तो दिखना अलग है, मसल दोनों में सेम हो सकती है, फैट दोनों में सेम हो सकता है, लेकिन उनका लुक्स अलग आएंगे। तो ये सिर्फ परसेप्शन वाली बात है, मतलब आगे बाहर से दिखने वाले, यहां पे बॉडी मसल ताकत वाली बात नहीं आ रही है, ठीक है। ऑल राइट देन, हाय सर, इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मिस्टर शौकीन, एंड इट्स अ गुड टॉपिक। हाय सर, प्रियंका, मेरा वेट 90 केजी है, जो भी कर लूँ वेट कम नहीं होता, जो भी मैं, आपने क्या किया? आप पहले तो थायराइड लेवल्स चेक करिए, FSH, LH, थर्ड डे आपके मेंसेस के चालू होने के बाद, तीसरे दिन FSH, LH, ईस्ट्रोजन लेवल्स चेक करिए, एक बार अल्ट्रासाउंड कराइए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज तो नहीं है, है तो फिर कुछ दिन तक आप सिंपल OCDs, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेंगे तो हेल्प हो जाएगी और वजन कम हो जाएगा। अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट कम करिए, कैलरीज कम करिए, टोटल कैलरीज आप लेंगे, एक एग्जाम्पल डाइट देता हूँ, एक एग्जाम्पल डाइट ले लो, एक एग्जाम्पल देता हूँ, 100 ग्राम प्रोटीन रोज खा लिया, 100 ग्राम कार्ब्स रोज खा लिया, कितना हो गया 200 ग्राम। एक प्रोटीन, एक ग्राम प्रोटीन और एक ग्राम कार्ब में कितने होते हैं कैलरीज? 4। तो 100, 200 से 4 गुना करोगे, मतलब 800, मतलब आपकी डाइट में 800 ग्राम कैलरीज हो गई इसी से। इसके बाद बचा क्या? फैट। कितना एक्स्ट्रा खाना है आपने? आप अगर 60 ग्राम, 50 ग्राम फैट खाते हो, 50 ग्राम फैट खाते हो, तो 50 इंटू 1 ग्राम फैट में 9 कैलरीज है, राइट? सो 1 ग्राम फैट तो 450 कैलरीज वहां आ जाएगी, मतलब अभी आपकी 1250 कैलरीज का ये यहीं के यहीं बन गया। इस 1250 कैलरीज के ऊपर क्या होगा? अभी 1250 कैलरीज कम है, राइट? लेकिन मैं, अगर आप 100 ग्राम प्रोटीन खाओगे तब आप जब गिनोगे तो आपकी देखोगे कि 1250 कैलरीज से भी आपका पेट भर जाएगा, तो आपको और थोड़ी सी कैलरीज जो मिलेगी वो आप चाहो तो फैट से ले लो, चाहो तो थोड़ी सी प्रोटीन और डाल लो, थोड़ा सा और कार्ब्स डाल लो। ये हिसाब है, 1.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक आप प्रोटीन खा सकते हो, मतलब अगर आप 60 किलो के हो, आप 60 किलो के हो, आप 120 ग्राम तक खा सकते हो, 2 ग्राम पकड़ लो मोटा मोटा, 120 ग्राम तक खा सकते हो, खाने को उससे ज़्यादा भी खा सकते हो, प्रॉब्लम उससे ज़्यादा खाने में नहीं है, प्रॉब्लम है कि उससे ज़्यादा जब प्रोटीन खाओगे तो वो प्रोटीन को बॉडी को मेहनत करनी पड़ेगी ग्लूकोज बनाने, तोड़ने के लिए। ऑब्वियसली वो मेहनत भी अच्छी बात है, उसमें भी एनर्जी लगेगी, लेकिन वो अनड्यू प्रेशर बना देगी किडनी पे, लिवर्स पे, लंग्स पे। तो इसलिए ये छोटे छोटे लेवल्स का गेम है कैलरीज का, जो समझदारी का गेम है, इसको आपको करना पड़ेगा समझ के। यानी यानी कह रहा आपको 1200 कैलरीज खाओ, आप 1500 खाओ, 1800 खाओ, 120 आप पहले शुरुआत करो, 100 ग्राम प्रोटीन और 200 ग्राम कार्ब्स से, 200 ग्राम कार्ब्स खाओगे तो वैसे ही आपके बॉडी के अंदर 400 ग्राम यानी वहीं 1600 का कार्ब होगी, फिर कार्ब्स धीरे धीरे कम कर 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 करके 100 ग्राम तक लेकर आओ। दैट्स हाउ यू टू कंटिन्यू, एंड उसके साथ साथ अपनी डाइट में बढ़ाते जाओ। आई होप आपको समझ, नहीं समझा तो साइंस ऑफ न्यूट्रिशन जाके देखिए, डॉक्टर एजुकेशन का। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहेंगे हम, ओके। ऑलराइट,
पुनीत शर्मा, आई एम सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस, कैन आई डू योगा? यस यू कैन डू योगा। योगा में, ऑस्टियोपोरोसिस में ऑब्वियसली ब्लड सर्कुलेशन में, ऑक्सीजन सप्लाई में हेल्प होगी। सो योगा इज हेल्पफुल फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। सो योगा अच्छी चीज है, आप कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक टाइप का योगा। योगा मीन्स ब्रीदिंग, यू हैव टू ब्रीद इन डेप्थ, ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना है, दैट्स वॉट इट इज योगा। सर, इज देर एनी टेस्ट अवेलेबल टू नो आर ओरिजिन जेनेटिकली? नो, देर इज नो टेस्ट लाइक दिस। यू ऑलरेडी आस्क दिस क्वेश्चन, प्लीज डोंट आस्क इट अगेन, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। गुड इवनिंग सुमो जी, ऑल हमारे हो चुके हैं 10 सवाल आज के। अब मैं पेड सवालों की तरफ जा रहा हूँ और उसके बाद में मैं ब्राउज करके सिर्फ ओबेसिटी वाले सवाल लूंगा, ठीक है? पेड सवाल में हमारे पास सिर्फ एक ही सवाल है, एक सवाल हमारे से पूछा है दीपक मल्होत्रा जी ने, वो भी सवाल नहीं लग रहा, वो भी सिर्फ उन्होंने डोनेशन दिया है। थैंक यू मिस्टर दीपक, आप सवाल पूछ सकते हैं, यू हैव अ राइट टू आस्क अ क्वेश्चन। अब मैं, अच्छा पूछा हुआ है, ए के जैन ने, ए के नायक ने एक सवाल पूछा है, गॉल ब्लैडर पॉलीप है 4 mm का एंड 3 mm इज देयर, ओके, इज इट डेंजरस? 29 years एज, बॉर्डर लाइन हाई LDL एंड आई हैव, इज दिस कंडीशन रिवर्सिबल और नॉन क्यूरेबल? पॉलीप इज समथिंग विच इज नॉन रिवर्सिबल, ठीक है? ये एक मस्सा है आपके गाल पे, अगर एक मस्सा आ गया या एक वो आ गया, आप बोलोगे कि ये बिना कुछ किए अपने आप बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता। जब तक इसके ऊपर कोई दवा लगा के ये गिर जाए तब होगा। कभी ऐसा हुआ है कि मस्सा सड़ के गल के ऐसे निकल जाए तो वो गल जाएगा, वहां निशान आ जाएगा, दाग आ जाएगा। वैसे गॉल ब्लैडर के अंदर तो कोई दवा नहीं लगा सकते, गॉल ब्लैडर के अंदर कोई पॉलीप है, पॉलीप मतलब ऐसे लटकन है, एक लटका हुआ मांस का टुकड़ा है, वो मांस का टुकड़ा वहां जगह घेर रहा है, तो इसको सिर्फ ऑब्जर्व करना पड़ेगा। वो इरिटेट कर सकता है, वो इन्फ्लामेशन कर सकता है, करेगा कि नहीं करेगा समय बताएगा। अल्टीमेटली आपको क्या करना है, गॉल ब्लैडर के फंक्शन को सही रखना है, उसके लिए हम गॉल ब्लैडर वाली सीरीज वीडियो देखेंगे, उसमें बताई गई बातें फॉलो करेंगे तो ठीक होगा। ये कोई अभी फिलहाल सीरियस बात नहीं है, जब तक वो पॉलीप इतना बड़ा हो जाए कि आउटफ्लो बंद करे, आउटफ्लो बंद करेगा, बाहर निकलना बंद करेगा, तो वहां पर ब्लॉकेज होगा, सूजन होगा, दर्द होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, तब गॉल ब्लैडर के अंदर जाके पॉलीप काट के निकाल सकते हैं, या अभी भी निकाल सकते हैं, या फिर ऑपरेट करके गॉल ब्लैडर निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। गॉल ब्लैडर के बगैर भी इंसान जी सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो यह स्टेज देखना पड़ेगा आपको कितनी दिक्कत है। ऑलराइट, अब हम ओबेसिटी के क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं दोस्तों। ओबेसिटी, ओबेसिटी, हियर वी गो। ऑल राइट, फोन मत करिए भाई साहब, अभी फोन कर ले रहे लोग तो फिर ओबेसिटी का क्वेश्चन चला जाता है। ओके, माय वेट इज 120 kg, प्लीज टेल सर मी सॉल्यूशन, मिस्टर प्रीतम मंडल। 120 kg आपको भी बेसिक कैलोरी डेफिसिट पे जाना पड़ेगा। आप शुरुआत करिए, 120 ग्राम प्रोटीन खाइए, एक और कार्बोहाइड्रेट कम कर दीजिए, 120 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाइए, और आप शुरू करिए फैट से, 60 ग्राम फैट खाइए, 120, 60, 1800 कैलोरीज की आपकी की डाइट हो जाएगी। उसके हिसाब से 10 मिनट की एक्टिविटी करिए, 120 किलो के वेट के साथ आप 10 किलोमीटर नहीं भाग सकते, आप बहुत मिनिमम एक्टिविटी रोज़ करिए। आप अगर अपने गिरेबान में झांक के देखेंगे तो आधे लोग हैं जिन्होंने पिछले हफ्ते कोई एक्सरसाइज नहीं करी, करी नहीं ना, और आधे लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं तो टहलते हैं। टहलना नहीं है, बॉडी को थोड़ा सा चैलेंज करना है, दैट इज एक्सरसाइज, ठीक है? दैट इज एक्सरसाइज। तो आप अपने आप को थोड़ा सा चैलेंज करिए, हिल नहीं सकते हैं तो बेड पे लेटे पैर हाथ हिलाइए, साइकिल चलाइए, या घुटनों पे और पैरों पे आके अपने कमर हिलाइए, जो कर सकते हैं करिए, बस अपने आप को चैलेंज करिए, जैसे भी आपकी फिजिकल कंडीशन है। और कार्बोहाइड्रेट कम करिए, रोटी का आधी करो, फिर और आधी करो, फिर बंद कर दो, ये इंपॉर्टेंट है, ये करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओबेसिटी इज डिटॉक्स वाटर गुड फॉर वेट लॉस? नो, ओबेसिटी डिटॉक्स वाटर इज नॉट गुड फॉर वेट लॉस, उससे कुछ नहीं होता। सिर्फ आपकी बॉडी को जो भी चीज़ आइडियल बैलेंस न्यूट्रिशन से मिलनी चाहिए, एक डिटॉक्स वाटर थोड़ा सा विटामिन सी दे देगा, थोड़ा सा कोई और दूसरा ऐसी चीज़ दे देगा जिससे कि एक लेवल पे किसी एक चीज़ की कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म या आपका थोड़ा सा एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा उससे, या आपके अंदर एनर्जी प्रोडक्शन, लियो वो कार्निटिन आपने ले ली, एल कार्निटिन से क्या होगा, थोड़ा सा आपके माइटोकॉन्ड्रियाज आपके अंदर सेल के अंदर, एक एक सेल के अंदर काम तेज हो जाएगा, पर ये काम पतला करने के लिए होगा या फैट स्टोर करने के लिए, ये डिपेंड करेगा आप क्या खा रहे हो और कितना इस्तेमाल कर रहे हो। तो दिमाग लगाइए, हर काम से, हर एक इससे चीज से पतले होने होता तो कोई दुनिया में मोटा नहीं होता, ठीक है ना? सर मुझे फास्ट वेट लॉस करना है, एक हफ्ते में 1 किलो से ज़्यादा वेट लॉस करना रिस्की है, किडनी पे, लंग्स पे, लिवर पे अननेसेसरी
आपके बहुत ज़्यादा प्रेशर्स आता है लिवर पे, लिवर और किडनी फेल हो सकते हैं। याद रखिएगा, लिवर और किडनी जब तक 70-80% तक फेल नहीं होते आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा ना हो कि जल्दी वेट लॉस करने के चक्कर में आधी किडनी डैमेज कर दी, फिर 50-60 की उम्र में किडनी की दवाइयाँ खा रहे हैं, डायलिसिस करा रहे हैं। कोई मतलब नहीं है ऐसे काम करने का। वेट लॉस 1 किलो हर हफ्ते कराओ, स्लो कराओ। मैं ये समझता हूँ कोई भी नया तरीका इस्तेमाल करोगे तो एक हफ्ते में कई बार 4 किलो 5 किलो ऐसी कम हो जाता है, वो वाटर वेट होता है। और डरने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा 4-5 किलो वेट कम हो गया मेरी किडनी खराब हो जाएगी, कई बार वो वाटर वेट होता है। इसलिए याद रखिए, पानी भरपूर पीजिए ताकि वो वाटर वेट का प्रॉब्लम ना आए। नंबर 2, एक जब भी आपका ऐसे एक आध हफ्ते वेट लॉस हो जाता है, अगले हफ्ते फिर कम होता है, अगले हफ्ते फिर कम होता है, वो चीज़ का ध्यान रखना। अगर वेट लॉस हर हफ्ते ऐसी होते जा रहा है और अनएक्सप्लेन हुआ, ये तो अनएक्सप्लेन हुआ, तो फिर आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। लेट खाना खाने से हेडेक हो, नहीं ये कहाँ से आ गया, अच्छा एक मिनट और फिर चला गया। तो इज इट हेल्दी टू बी 10 kg, अभी एक और पेट सवाल आया है, इज इट हेल्दी टू बी 10 kg मस्कुलर ओवरवेट विद 10 kg 10% बॉडी वेट, माई हाइट इज 5'8" विद 8 kg ऑफ वेट, वेस्ट साइज ओनली 32 बट चेस्ट इज 42, इट इज हेल्दी, नो प्रॉब्लम, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, वेरी हेल्दी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा, ओबेसिटी में यह है, अब मैं ना एक्चुअली ऊपर से ढूंढता रहूंगा तो नहीं होगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है अभी नीचे सवाल डालना शुरू करिए, वेट के अपना सवाल जो ऊपर डाला है फिर से डाल लीजिए, लेकिन एक ही बार डालिए, ठीक है। ओबेसिटी में ये गार्सिनिया कैप्सूल्स क्या काम करते हैं एंड जस्ट एडवाइस एडवाइस स्टंट होता है, क्या लिखा है ये, जस्ट एविडिटी स्टंट होता है, ये नहीं समझा मुझे एविडिटी क्या होता है। गार्सिनिया कैम्बोडिया, ये सब चीज़ें आपके थोड़ा सा सेल लेवल पे मेटाबॉलिज्म बढ़ाती हैं जहाँ तक मुझे आइडिया है, बिकॉज ये एक्चुअली फिर वही चीज़ हुई, आयुर्वेदिक चीज़ हुई, आयुर्वेदिक चीज़ है वो अलग चीज़ है, उसके बारे में पूरी जानकारी के लिए मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। तो उसके बारे में ये बात याद रखिए, कोई भी दवा, कोई भी इस तरह की आयुर्वेदिक हर्ब या ये 4 चीज़ों में एक चीज़ करती है, या तो आपके इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाने वाले खाने का पचना बेहतर कर देती है, आसान कर देती है, जैसे कि लेमन, जैसे कि नींबू, जैसे कि एप्पल साइडर विनेगर, ये सारा पेट में जाके खाना पचाना आसान कर देती है, तो पच जाता है खाना, पेट हल्का रहता है, आप बेटर वर्कआउट कर पाते हो, चीज़ें कर पाते हो, आपको लगता है मैं पतला हो रहा हूँ, लेकिन वो पतला हो रहे बिकॉज आप ज़्यादा कुछ कर पाते हो, डिस्कम्फर्ट नहीं है, गैस है, मोटापा है, तो आप बैठे रहते हो, राइट। सो ये एक काम है उसका, लेकिन अल्टीमेटली वो मैटर करेगा पूरे दिन क्या खा रहे हो, अगर पूरे दिन फिर भी भर भर के उल्टी सीधी चीजें कार्ब्स खाओगे तो मोटे हो रोगे, मोटे ही होगे, राइट। डेली रन करे तो कोई डाइट बताएं, डेली डाइट यही तो बताया भाई साहब, कार्ब्स प्रोटीन फैट। अब ये चीज है कि कैसे कौन सा कितना खाना है, उसके लिए साइंस ऑफ न्यूट्रिशन बाय डॉक्टर एजुकेशन का वीडियो देखिए, उसमें बताया किसमें कितना कार्ब्स है, कितना कितना प्रोटीन है। सर पेट का वजन कम नहीं हो रहा, कुछ बताओ, देखो पेट का वजन तब कम होगा जब शरीर में फैट कम होगा, जब तक शरीर में फैट है वो पेट फैट स्टोर करके ही रहेगा, ये लोकलाइज्ड फैट लॉस नहीं हो पाता है, नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है। फैट मोबिलाइज करने के लिए वाइब्रेशंस यूज कर सकते हैं कि वहां से भी फैट मोबिलाइज हो, लेकिन वो भी हर एक में नहीं हो पाता, किसी में जल्दी होता है, किसी में लेट होता है, याद रखिए। मेल्स का पेट में ज्यादा फैट आता है, फीमेल्स का बट्स और थाइज में, ये कॉमन चीजें हैं, ठीक है। थायराइड में वेट लॉस करने के लिए पहले थायराइड कंट्रोल करना, TSH 7.9 के साथ वेट लॉस नहीं हो पाएगा, TSH आपका 2 से 3 के बीच में होना चाहिए, उसके लिए दवा बढ़ाने के लिए डॉक्टर के पास जाएं, ऑलराइट। अच्छा, AVDT इज एडवर्टाइजमेंट, ओके। हाउ टू रिड्यूस बेली फैट, आई ऑलरेडी टोल्ड पूरे बॉडी का फैट कम होगा तो बेली फैट कम होगा, वरना नहीं होगा, ऑलराइट। और क्रंचेस से बेली फैट नहीं कम होता। ओबेसिटी में एनी बेनिफिट ऑफ स्टीम बाथ आफ्टर वर्कआउट फॉर फैट लॉस, एब्सोल्युटली नॉट। स्टीम बाथ से आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, आप जब हॉट एनवायरनमेंट में होते हो तो आपकी बॉडी कूल करने के लिए थोड़ा सा स्वेट बना देती है, अगेन यू आर लूजिंग फैट एंड सॉल्ट, राइट। आप सिर्फ वाटर वेट कम करके सोचते हो कि हाँ मैं पतला हो गया, पर वो सच्चाई नहीं है, उससे कोई फैट लूज नहीं होता, कोई सेलुलाइट कम नहीं होता, दैट इज ऑल बुलशिट। वेट लॉस इन कोलर्स यूजिंग इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर, एब्सोल्युटली नॉट।
भाई साहब इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर मसल को सिर्फ एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, या ये करेगा, ये करेगा, आप यही आप शरीर में करते रहोगे तो भी वही चीज हो गई। आप शरीर चला नहीं सकते हैं तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर की जरूरत है ना, आप हाथ पैर हिला नहीं सकते हो तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर की जरूरत, वैसे भी वो उतना नहीं कर पाएगा जितना आप नॉर्मल दिनभरिया में करते हो, दिनचर्या में करते हो। वो बोलने के लिए लोग पैसे ऐंठने के लिए कुछ भी करते हैं। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर विल वर्क इन पीपल हु आर नॉट यूजिंग देयर मसल्स, राइट? ओके, टाइम ज़्यादा हो गया है, बहुत सारे सवाल है, लगता है ये सवाल बहुत बहुत अच्छा टॉपिक पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। ओबेसिटी में एनी बेनिफिट, वो तो हो गया। फिर नीचे हम जा रहे हैं, अच्छा ओबेसिटी और ओमेगा थ्री, ओबेसिटी और ओमेगा थ्री का ज़्यादा लेना देना नहीं है, आपको गुड फैट्स खाने। मैंने अभी भी कहा 50 से 100 ग्राम तक आप फैट खा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपका वेट, आपकी डाइट रिक्वायरमेंट कितनी है उसके हिसाब से। तो जो आप फैट खा रहे हो, जो परसेंटेज आपका फैट है वो गुड फैट से जाना चाहिए, ओमेगा थ्री उसमें होना चाहिए, पॉली अनसैचुरेटेड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होना चाहिए, सैचुरेटेड फैटी एसिड कम होना चाहिए। एक चम्मच घी फिर भी खा सकते हो, देसी घी मनाही नहीं है, ठीक है। ओबेसिटी हाउ टू फिक्स सैगिंग स्किन आफ्टर वेट, जितनी जल्दी वेट लॉस करोगे उतना सैगिंग स्किन आएगा। देखो मेरा भी है थोड़ा सा, है कि नहीं, अभी बचा है, अभी धीरे धीरे कोशिश चल रही है, बट टाइम नहीं मिल रहा एक्सरसाइज का, तो इसलिए फिर डाइट में कट करना पड़ता है। सो सैगिंग स्किन तब होता है जब बहुत तुरंत वेट लॉस करते हो, स्किन को एडजस्ट करने को समय नहीं मिलता। स्किन के सेल्स हर 28 दिन में चेंज होते हैं, हर 28 दिन में। तो अगर आप सालों में साल दो साल लगा के अच्छे से पतले हो गए तो स्किन को सही मौका मिल जाएगा, और कम से कम सैगिंग स्किन आएगा, कम से कम स्कार्स आएंगे, कम से कम वो स्ट्रेच मार्क्स आएंगे। जल्दी वेट लॉस का ये भी साइड इफेक्ट है। लेकिन एक लेवल बात करिए, 40 किलो वजन कम करना, ये सब बड़ा 25-40 किलो वजन कम, कुछ तो आएगा ही, कुछ तो सैगिंग स्किन आएगा ही, ठीक है। ओके, देन ओबेसिटी का सवाल ढूंढ रहे हैं। ओबेसिटी जीरो कार्ब इज गुड सिंस हाई प्रोटीन विथ, लाइक ऑलरेडी सेड, जीरो कार्ब डाइट लोगे दैट इज कीटो डाइट, 5% 10% से कम कार्ब्स हैं तो कीटो डाइट है। कीटो डाइट इज वेरी रिस्की, इट इज हार्मफुल फॉर योर लिवर, किडनी, उसमें अगर आप करते रहोगे तो किडनी डैमेज होगा ही होगा और आपको पता नहीं चलेगा अभी कुछ सालों तक, हो सकता है 5 साल 10 साल ना पता चले, आगे चल के एक बीमारी होगी, एक इन्फेक्शन होगा, सीधा किडनी खत्म। फिर बोलोगे इन्फेक्शन ने किडनी खराब करी, वो सच्चाई नहीं है। किडनी 70-80% तक खराब होती, पता भी नहीं चलती, याद रखना, ठीक है। सीजनल फ्रूट्स आर रियली यूजफुल टू मेंटेन हेल्दी वेट, यस कल्पना जी, सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए। याद रखिए गेहूं में या रोटी में, दाल में, दाल जितनी भी लेंटिल्स हैं मोटा मोटा, उसमें 50% कार्ब्स हैं, जो पकाने के बाद आधे भी होंगे तो 25% होंगे। उसके बाद में गेहूं में 70-80% कार्ब्स हैं, जो पकाने के बाद आधे भी होंगे तो 40% होंगे, 50% होंगे। लेकिन मीठे से मीठे फ्रूट में, यानी केले में, बनाना में 20% कार्ब्स हैं, ओनली 20% कार्ब्स, तो वो गेहूं और इनसे काफ़ी कम है, चावल से कम है, आलू से कम है। तो इन सबको कम करके फ्रूट्स खाओगे तो फ्रूट्स में वाइटामिन्स हैं और ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हेल्दी रखती हैं, जो उनमें नहीं है। दैट्स वाई इनको कम करो, उनको बढ़ाओ, फ्रूट्स को बढ़ाओ, और उनसे 10 गुना ज़्यादा अच्छे फ्रूट से भी अच्छे हैं वेजिटेबल्स। जितना खाना है उतना सलाद खाओ, सलाद बल्कि जीरो कैलरी भी नहीं, नेगेटिव कैलरी फूड बोलते हैं क्यों सैलेड को, क्योंकि सैलेड्स और वेजिटेबल्स ऐसी चीज़ हैं उनको पचाने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उतना उनसे कैलोरीज भी नहीं निकलती। इसलिए जितना ज्यादा खाओगे उतना आपकी बॉडी के अंदर कैलोरी डेफिसिट बनेगा। इसीलिए आधा एक किलो सलाद या आधा एक किलो सब्जियां दबा के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस उससे आपको विटामिन मिनरल्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। सो वो सब फालतू पैसे खर्चे करने की जरूरत नहीं है, दैट्स द आइडिया। वेट लॉस फुल डाइट, उसके लिए अलग से कई वीडियोस हमने बनाए हैं, डाइट समझाई है। अगर आप बोलोगे कि सर सुबह ये खाना है, शाम को ये खाना है, रात को ये खाना है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा ऐसा, ना ही मैं इस चीज़ में विश्वास रखता हूं, क्योंकि एक ही चीज़ पूरे साल नहीं मिलेगी आपको। भाई सब्जियाँ कह दी, कोई भी सब्जी खाओ आलू छोड़ के, और क्या चाहिए बताओ, कम है। दाल कह दी, कोई भी दाल खाओ, रोटी कह दी, ग्रेन्स कह दिया, कोई भी अनाज कम करो, सारे अनाज कम करो, इतना सा कॉन्सेप्ट समझना है आपको, सिंप्लीफाइड, ठीक है। नहीं सर सुबह दाल खा सकते, सुबह सुबह बहुत लोगों के बहुत सवाल होते हैं, पर समझदारी को, समझदार को इशारा काफी, मैं तो सिंपल सा लेके दे दिया, ठीक है। सॉरी, ओके, देन ओबेसिटी इज लोकलाइज्ड फैट लॉस इज नॉट पॉसिबल, हाउ मेनी कार्ब्स इज गुड फॉर फास्ट फैट लॉस।
1%, 1:1, जितना प्रोटीन उतना कार्ब्स इज द लीस्ट यू शुड गो, उससे ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए कार्ब्स में, 1:1 जितना, और जाना मुश्किल भी है, काफी मुश्किल है उससे कम जाना, 1% जितना प्रोटीन है उतना कार्ब्स, जितने ग्राम प्रोटीन खा रहे हो उतने ग्राम कार्ब्स खाइए, उससे नीचे मत जाइए, ये बढ़िया रहेगा आपके लिए। सर गर्म पानी लेमन पीने से बिल्कुल भी क्या वेट लूज होता है? नहीं होता, इसके ऊपर अलग से वीडियो भी है, मैं बता चुका हूँ। यूरिक एसिड लेमन पीने से क्या कम होता है? नहीं होता जी, पानी पीने से कम होता है, लेमन के नहीं, पानी पीने से यूरिक एसिड कम होता है, पानी सही मात्रा में पीजिए। सर मैं ओबेसिटी से ग्रस्त हूँ, मुझे गिल्बर्ट सिंड्रोम है, इलाज बताइए। देखिए ओबेसिटी का इलाज तो यही है, गिल्बर्ट सिंड्रोम के होते हुए भी यही सारे चीज़ें मैटर करती हैं, और कोई अलग से रूल नहीं है आपके लिए, यही सब करिए, उससे ही मदन कम, वजन कम होगा। वेट लूज मेडिसिन से नहीं हो रहा है, मैंने फैट कटर लिया था। भैया किसने कह दिया आपको मेडिसिन लेने के लिए? फिर से बता रहा हूँ, कोई भी मेडिसिन, कोई भी आयुर्वेदिक, कोई भी हर्ब, कोई भी नुस्खा वेट लॉस नहीं करता जब तक आपकी कैलोरी डेफिसिट नहीं है। अगर कैलोरी डेफिसिट है तो हर नुस्खा काम करते हुए दिखेगा, और आप वो नुस्खे को करोगे कि उसने किया उसने किया। सिर्फ डाइट में चीज़ें कम खानी है, अपने आप आपकी शरीर वेट लॉस करेगी। कोई भी फैट बर्नर कैफीन भरा हुआ होता है, या थायराइड के हार्मोन्स भर के होता है, ये सब हार्मोन्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं, कैफीन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये सब सिर्फ आपका बॉडी के अंदर एनर्जी यूटिलाइजेशन मेटाबॉलिज्म जरा सा बढ़ा देते हैं, पर वो मेटाबॉलिज्म बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि एनर्जी यूज हो रही है, हो सकता है एनर्जी स्टोर हो रही है। जो आप खा रहे हो वो सिर्फ स्टोर हो रही है, जो आप खा रहे हो वो एनर्जी मेटाबॉलिज्म यूज हो रही है कि चलो भाई जल्दी भरो जल्दी भरो जल्दी भरो। ज्यादा वर्कर ज्यादा लेबरर्स लगा लेने से जरूरी नहीं है कि आपका गोदाम खाली हो जाएगा, आप सिर्फ गोदाम में भरने का काम तेज कर रहे हो रहे होते हो सकता है। तो इसलिए पहले देखो आ कितना रहा है, यूज कितना कर रहे हो, उससे बड़ा सच्चाई दुनिया में नहीं है ओबेसिटी और फैट लॉस के लिए, ये बात याद रखिएगा। ओबेसिटी हाउ टू लॉस लास्ट 2-3% ऑफ बॉडी फैट फॉर बॉडी बिल्डर, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, एंड फॉर दैट यू रियली एक्चुअली हैव टू टेक दोज फालतू की मेडिसिंस, जैसे डायूरेटिक्स लेनी पड़ सकती है, पानी बंद करना पड़ सकता है। जी हाँ, वो उस लेवल पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, या थोड़ा सा वो लोग, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, जो लेते हैं जो नहीं लेते हैं उसमें डिफरेंस दिखेगा, बस इतना और कुछ नहीं। दैट्स वाई आपको ये सब चीज़ें मेडिकल सुपरविजन में करनी चाहिए, टेस्ट कराते रहने चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि ये लेना जरूरी है, मैं से रहा हूँ कि वो लोग कंपेयर करते हैं, आप लोग लेते हो इसलिए दूसरे लेते हैं, राइट? यही चीज़ जो दूसरे कहते हैं कि मैंने अभी स्टीरॉयड का वीडियो बनाया था, खैर वो टॉपिक अलग जा रहे हैं, स्टीरॉयड से नहीं, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ग्रोथ रेट बताया था, ग्रोथ रेट से सोचिए फिर कितना साल लगेगा एक्चुअल बॉडी बिल्डिंग में। लोगों को 2 महीने में बॉडी चाहिए होती है, पर वो नहीं बनती है, ठीक है। शॉर्टकट हर जगह काम नहीं करते। ओबेसिटी 65 से 49 वेट होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, एब्सोल्युटली होगा। ऑलराइट, एग योक्स 2 खा सकते हैं दिन में, एक या दो एग योक्स आराम से खा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी खा सकता है, राइट? कई लोग 10-10 खा के भी उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बिकॉज उसमें बहुत अच्छे विटामिंस होते हैं, लेकिन 1 या 2 रिकमेंडेशन है, 2 आप आराम से खा सकते हो। दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है मुझे लग रहा है, और काफ़ी लोगों के काफ़ी सवाल है, लेकिन समय बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसको अभी हम ख़त्म करते हैं। नमस्कार, क्षमा करिए अगर ये टॉपिक आधा रह गया है, तो इस टॉपिक को मैं फिर से कवर करूंगा अगले हफ्ते, पर कुछ दिन के लिए कुछ दूसरे टॉपिक्स भी लेंगे। वैसे ही जैसे आज ये हुआ था पोल, फिर से एक पोल होगा आज उस पोल के लिए सबसे पहले मैं आज एक रिक्वेस्ट करता हूँ कम्युनिटी सेक्शन में जाके, उस रिक्वेस्ट के नीचे आप कमेंट करिए कौन कौन से आप टॉपिक्स पे ऐसे सेमिनार चाहते हैं। जो कमेंट्स ज़्यादा आए जाएंगे, ज़्यादा पाए जाएंगे, ज़्यादा लोग अगर कोई एक टॉपिक के बारे में कमेंट करेंगे, उस टॉपिक्स के और निकाल के फिर मैं पोल करूँगा कल सुबह पोल होगा, और कल शाम तक जितने वोट्स आएंगे उस टॉपिक पे फिर हमारा डिबेट, ये सेमिनार होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।